सिर्फ गेट लिख दो, सिर्फ गेट लिख दो को तो भी काफी है। सर मेरी स्क्रीन आपको विजिबल है? ओके सर, बस डाउनलोडिंग स्टार्ट हो गई। हाँ बस इसको डाउनलोड होने दो, कोई मसला नहीं है। ठीक है, जितने भी लोग बिगनर्स हमारे पास क्लास में, क्योंकि ये कोर्स बिगनर्स के लिए डिज़ाइन हुआ हुआ है, इस वजह से मैं ये वॉलेंटियर लिया है हमने। हमारे साथ मौजूद हैं क्या कहते हैं हमज़ा, और हमज़ा अपनी स्क्रीन शेयर करके आप लोगों को दिखा रहे हैं कि अभी तक का जो मैंने स्टेप किया है वो हमज़ा अपने पास रिपीट करेंगे। ठीक है, अभी तक मैंने क्या किया है, एम्प्टी गिट रिपॉजिटरी मैंने तैयार कर ली है एक अदद। ठीक है, वो हमज़ा उतना करेंगे, फिर मैं आगे बताऊंगा, फिर वही काम हमज़ा दोबारा आपको करके दिखाएंगे। सर मेरे पास GitHub डेस्कटॉप एप्लीकेशन जो है वो इंस्टॉल है, तो उससे नहीं, कोई उसको फर्क नहीं उसको पड़ेगा? उसको यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है फिलहाल ना, वो भी यूज़ कर ओके लेना, सर। मसला नहीं है। अच्छा, ये गिट तुम्हारा कंप्लीट हो जाए तो बस उसको चलाओ, इसको इंस्टॉलेशन करो, नेक्स्ट नेक्स्ट करके ना। सुमन जाहिद, आपका माइक ब्लॉक नहीं है प्यारी दोस्त, आपके पास ना माइक शायद लगा हुआ नहीं है, इसलिए आपके पास माइक का ऑप्शन इनेबल करने का नहीं आ रहा होगा। ठीक है, ये रीज़न हो सकता है। अच्छा भाई, जो डाउनलोड हुआ था उस पर क्लिक कर दिया तुमने हमज़ा? अच्छा, आपने कहा कि हैंड फ्री के साथ कनेक्टेड हैं आप, हैंड फ्री हटा के ज़रा ट्राई कर लेंगे माइक आपका इनेबल हो रहा है या नहीं हो रहा। वेल सर अभी इंस्टॉल कर रहा हूँ। ये अच्छा, ये नेक्स्ट नेक्स्ट करना है आपने जस्ट इसको, और आपने इंस्टॉल कर लेना है बस, यस कर दें इसको, किसी भी चीज़ पे नो नहीं करना, बस नेक्स्ट करते जाएँ, कोई चेंज भी नहीं करना ऑप्शन, इसको सीधा सीधा जाने दें बस। ये मसला हमारे ऊपर। अच्छा, ये इंस्टॉलेशन आपकी कंप्लीट हो गई है, अब ज़रा जाके आप एक प्रोजेक्ट तैयार करें, एक छोटा सा वेबसाइट का प्रोजेक्ट तैयार करें आप, और सर एक फोल्डर बना दूँ? हाँ, एक फोल्डर बना लो, उसके अंदर एक छोटी सी वेबसाइट भी बना लो। माइक खुला रहने दो, कोई मसला नहीं है, माइक ओपन रहने दो अपना।
यस सर, इसके बाद इसके अंदर एक HTML का पेज बनाओ। ये बिट नहीं, ऐसे नहीं बनेगा ये। VS कोड ओपन करो, VS कोड ओपन करो, गलत कर रहे हो। सर मेरे पास VS कोड नहीं होगा, सप्लाइम से बना लो। VS कोड कर लो ना इंस्टॉल, VS कोड भी इंस्टॉल कर लो। अच्छा ये बिट बकेट कैसा है? बिट बकेट भी सही है लेकिन गिटहब सबसे सही है। गिटहब इस वजह सबसे सही है कि लोग ऑडियंस सारी गिटहब पे है, ठीक है। आप व्हाट्सएप क्यों यूज़ करते हैं, टेलीग्राम क्यों नहीं यूज़ करते? क्योंकि व्हाट्सएप पे सारे आपके रिलेटिव्स हैं, वो आप टेलीग्राम पे नहीं होते रिलेटिव्स आमतौर पे आपके, ठीक है। तो ये रीज़न है, गिटहब जो है इस वक्त वो व्हाट्सएप की हैसियत हासिल है उसको। अच्छा ये इन्होंने VS कोड डाउनलोड कर लिया, इसको भी इंस्टॉलेशन देख लें आप किस तरह होती है, बहुत अच्छा है ये भी, इसकी भी इंस्टॉलेशन पता चल जाएगी आपको। इन सब पे ही चेक लगा दो, बैक करो, कॉन्टेक्स्ट मेन्यू, डायरेक्टरी, सर VS कोड नहीं इंस्टॉल करना है या फिर वही चलेगा? VS कोड क्या मतलब, समझा नहीं सवाल आपका मैं। या फिर नहीं इंस्टॉल करा या फिर पहले वाले VS कोड वही होगा जिसका प्रोग्रामिंग पहले करते थे? इनके पास हुआ वही नहीं था इंस्टॉल, इन्होंने अभी इंस्टॉल किया। ये हमारे दोस्त हमजा हैं, उनकी स्क्रीन शेयर हुई भी है, उनकी स्क्रीन देख रहे हैं आप, ठीक है। मैं तो एक दफ़ा करके दिखा चुका हूँ, वही चीज़ हमजा रिपीट कर रहे हैं अपने पास, ठीक है। फाइल पे क्लिक करो, ओपन फोल्डर। जी दोस्त आपकी आवाज़ आ रही है, बोलें। वेल डन यार, ज़बरदस्त। अच्छा ये आप यस कर दो, इसको यस कर दो। जी दोस्त आ रही है आपकी आवाज, बोलें। लॉन्च किट बैश करना है या दूसरा वाला ऑप्शन करना है? नहीं ये अभी करके दिखा रहे हैं ना आपके सामने दोस्त, इनको देखते जाएं और साथ साथ करते जाएं, ठीक है। अभी अगर अभी ना भी करें तो कोई मसला नहीं है, आप ये क्लास ख़त्म होने के बाद कर लीजिएगा, इसी को देखते हुए कर लीजिएगा, ठीक है। जैसे ये कर रहे हैं ना इसी तरह देखते हुए कीजिएगा। यस सर, इसमें न्यू फाइल बना लूं मैं? हाँ इसमें एक न्यू फाइल बना लूं। इंडेक्स के नाम से? index.html। जी हाँ इसके अंदर एक कोई हेडिंग वेडिंग कुछ छोटे मोटे HTML लिख दो इसके अंदर जो नजर आना शुरू हो जाए। सर अभी क्या करना है इसके साथ? अब यहाँ पे आपने जो असल काम है वो अब करना है, यहाँ पे आपने टर्मिनल ओपन करना है, कमांड कंट्रोल प्लस बैकटिक आप प्रेस करें। हाँ ऊपर से भी ऑप्शन आ सकता है ये टर्मिनल और न्यू टर्मिनल, बिल्कुल आपने सही कहा। ये आपने क्लिक किया, नीचे आपके पास टर्मिनल ओपन हो गया। पहले तो इसमें आप लिखें गिट और स्पेस माइनस माइनस वर्जन, उससे आपको पता चलेगा कि आपके पास गिट सही तरह इंस्टॉल हो गया या नहीं हो गया। ये गिट स्पेस माइनस माइनस वर्जन, अच्छा ये जो वर्जन का नंबर लिखा हुआ आ गया इसका मतलब है आपके पास गिट सही तरह इंस्टॉल हो गया। अब आपने इसमें कमांड लिखनी है गिट स्पेस इनिट, रन कर दूं सर? हाँ एंटर कर दें।
ठीक है। अच्छा लिखा हुआ आ गया यहाँ पे कि empty git repository initialized। अच्छा अब आप ज़रा वापस जाएं उस फोल्डर में, वहाँ पे एक छोटा सा डॉट गिट का फोल्डर बना हुआ आ गया होगा। अच्छा ये छोटा सा डॉट गिट का फोल्डर बना हुआ आ गया। अच्छा कुछ लोगों के पास हो सकता है ये ना नज़र आए क्योंकि ये हिडन फाइल होती है, तो ज़रा व्यू पे जाएं, ये व्यू ऊपर जो लिखा हुआ है यहाँ से हिडन फाइल ना शो हो जाती है। ये हिडन फाइल पे जो लगा हुआ है चेक, इसको ज़रा हटाइएगा, इसको हटाएंगे तो ये गायब हो जाएगी। ठीक है तो ये हिडन फाइल है, तो बाय डिफ़ॉल्ट हिडन फाइलें शो नहीं हुई भी होती हैं, ठीक है आपको करनी पड़ती हैं। तो हिडन फाइल जो है वो क्या होता है, एक छोटी सी डॉट गिट का एक फोल्डर बना हुआ आ जाता है जो कि एक हिडन फाइल है। अच्छा आपने उस डॉट गिट के फोल्डर के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करनी, ठीक है उसको एज इट इज़ आपने छोड़ देना है जैसा वो है। ठीक है कभी भी आपने उस फोल्डर को जाके चेंजिंग नहीं करनी है, ना आपने उसको डिलीट करना है, ना आपने उसको जो है ना जाके अंदर कोई चेंज करना है किसी भी किस्म का। ठीक है तो यहाँ तक का काम मैंने कर लिया था, यहाँ तक का काम हमज़ा ने भी अपने पास रिपीट कर लिया। हमज़ा अब मैं अपनी स्क्रीन शेयर करूँगा, आप अपनी स्क्रीन शेयरिंग रोक दें और मैं अब आगे के स्टेप बताता हूँ, फिर आप दोबारा आपसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप जो है ना फिर क्या कर रहे होंगे उसी को। ठीक है सर मैं दोबारा शेयर कर लूँगा। हाँ दोबारा आप शेयर कर दीजिएगा अपनी स्क्रीन, और जितना फिर मैं आप बताने लगाऊँ वो आप क्या कहते हैं रिपीट कीजिएगा। अच्छा यहाँ तक का तो काम हो गया, इनिशियलाइज्ड एम्प्टी गिट रिपॉजिटरी यहाँ तक का तो काम हो गया। अब हम ज़रा चलते हैं उस आर्टिकल में, और आर्टिकल में चल के देखते हैं कि आगे क्या बताया जा रहा है उस आर्टिकल में। अच्छा गिट इनिट वाला काम हमने कर लिया, चेक आउट अ रिपॉजिटरी। अच्छा अब ना दो तरीके हो सकते हैं। नंबर एक तरीका तो ये हो सकता है कि आपकी ना रिपॉजिटरी पहले से गिटहब में, तो आप उसको क्या करेंगे गिट क्लोन करके ऐसे उठाएंगे। हमारे पास ऐसा इस तरह का कोई केस नहीं है, ठीक है तो हम ये वाला स्टेप हम अभी फ़िलहाल हमारे काम का नहीं है, क्योंकि हमारी रिपॉजिटरी जो है वो तो मेरे कंप्यूटर के अंदर मौजूद है, वो जब गिटहब में पहुँचेगी तो फिर तो वहाँ से क्लोन करेंगे ना। लेकिन आमतौर पर जब आपको कोई क्लाइंट आपको प्रोजेक्ट देगा, साउंड नहीं है प्यारे दोस्त, मेरे पास से तो साउंड बिल्कुल क्लियर है। अफजल अहमद कह रहे हैं उनके पास साउंड नहीं आ रहा, काइंडली कोई इनको गाइड कर दे ज़रा कि साउंड सही आ रहा है बाकी लोगों के पास, तो फिर वो रीकनेक्ट कर लेंगे। ठीक है तो ये वाला जो पार्ट है अभी इसको हमें देखने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा अब आगे हम देखते हैं कि हो क्या रहा है इस डब्बे के अंदर, इस रिपॉजिटरी के अंदर जो इंटरनली जो काम हो रहा है वो यहाँ पर डिस्कस हुआ है। अच्छा क्या है वो, योर लोकल रिपॉजिटरी कंसिस्ट ऑफ थ्री ट्रीज। लोकल का मतलब होता है कि आपके मशीन के अंदर जो चीज़ रखी हुई है, ठीक है। अच्छा एक होता है लोकल, एक होता है रिमोट या क्लाउड, ठीक है। रिमोट या क्लाउड का मतलब होता है कहीं इंटरनेट पे किसी गूगल की ड्राइव में कहीं रखा हुआ है, उसको कहते हैं रिमोट। या गिटहब में जब ये पहुंच जाएगा तो फिर उसको बोलेंगे हम रिमोट। तो अभी जो ये रिपॉजिटरी हमने बनाई है दिस इज कॉल्ड लोकल। सर आपकी आवाज़ नहीं आ रही। मेरी आवाज़ नहीं आ रही है यार। अच्छा कुछ और भी लोग हैं जिनको नहीं आ रही है? आ रही है आवाज़, आ रही है जी। आप काइंडली इनसे ज़रा कहिएगा कि रिकनेक्ट कर लें। ये आ रही है सर, आ रही है। That is आवाज के लिए अच्छा। अच्छा तो अब जो मेरी लोकल रिपॉजिटरी है उसके अंदर क्या हो रहा है, उसके अंदर तीन तरह की जो ट्री होती है या तीन तरह के मुख्तलिफ स्टेजेस होते हैं जो मेरी फाइलों के हो सकते हैं। अच्छा नंबर वन क्या है, वर्किंग डायरेक्टरी। वर्किंग डायरेक्टरी वो फाइल्स हैं जो मैंने अभी अभी क्रिएट की है, ठीक है। मिसाल के तौर पे अभी जो इसके इस फोल्डर के अंदर जो index.html के नाम से जो फाइल बनी हुई है, ये फाइल का जो स्टेटस है वो इस वक्त क्या है, वो है वर्किंग डायरेक्टरी या वर्किंग फाइल्स हैं वो, जो अभी जिस पे मैंने चेंजेस किए हैं। अच्छा इसको अब मुझे करना पड़ेगा ऐड, तो ये इंडेक्स स्टेज में आ जाएगा, ठीक है। और इंडेक्स स्टेज में आने के बाद मैं करूँगा कमिट। अच्छा कमिटमेंट स्टैंड फॉर कमिटमेंट कह लो, ठीक है, कि भाई जब एक फीचर आप कंप्लीट कर लेते हैं तो आप उसको कमिट कर देते हैं।
अच्छा कमिट करने से क्या होता है, वो जो आपके जो उस प्रोजेक्ट का जो उस वक्त का स्टेट होता है, उस वक्त जहाँ तक भी आपने काम किया होता है वो सेव हो जाता है। ठीक है, तो अब ये काम हम करते हैं ज़रा। ठीक है, अब ये ऐड और कमिट करना कैसे है ये नीचे बताया हुआ है इन्होंने। ऐड सबसे पहले करने के लिए मुझे कमांड चलानी पड़ेगी गेट ऐड और फाइल का नाम, जिस फाइल को भी मैंने ऐड करना है उसका नाम, या गेट ऐड और स्टैरिक। इससे क्या होगा, तमाम फाइलें ऐड हो जाएंगी, जितनी भी फाइल मौजूद है सब ऐड हो जाएगी। ठीक है, तो चल के पहले ये काम करते हैं ज़रा। वापस आ गया मैं यहाँ पे और मैंने इसी जगह पे इसको क्लियर कर लिया ताकि वो स्क्रीन क्लियर हो जाए मेरे पास। गेट इनिट मैं कर चुका हूँ पहले ही, छोटा सा ये जो फोल्डर है मेरा ये गिट की रिपोजिटरी पहले ही बन चुका है। अच्छा, अगर आप गिट की रिपोजिटरी बनाए बगैर ये कमांड चलाएंगे ना तो आपको ये बोलेगा कि यार आप तो रिपोजिटरी में हो ही नहीं अभी। ठीक है, तो मैंने कहा गिट ऐड और स्टैरिक, स्टैरिक का मतलब है सारी फाइलें, एंटर। ठीक हो गया, अब ये इसने कोई एरर नहीं दिया, इसका मतलब है हो गया। उसके बाद क्या किया मैंने, गिट कमिट माइनस एम का मतलब है मैसेज, और कोई भी मैं बात लिख दूं। अच्छा, ये काम भी कर लेते हैं, मैं क्या करूंगा, गेट कमिट माइनस एम, और मैंने कहा कि माय फर्स्ट कमिट। ठीक है, ये मैंने मैसेज लिखा, नोट कीजिएगा मैंने डबल कोटेशन में ये मैसेज लिखा है, ये ज़रूरी है कि इसको डबल कोटेशन में ही लिखा जाए। ठीक है, और एंटर कर दिया मैंने। जैसे ही मैंने एंटर किया इसने मुझे मैसेज बताया कि वन फाइल चेंज 14 इंसर्शंस, यानी 14 लाइनों का कोड था जिस फाइल में, वो ऐड हो गई है। ठीक है, index.html को इसने कहाँ पे ऐड कर दिया है, कमिट कर दिया है। अच्छा, अब मेरी जो ये जो चीज़ है ना, जब जब मैं कोई फीचर कंप्लीट करूंगा। सर जी, दोस्त सर जी, प्लीज टेल मी, सर मैसेज आ रहा है ऑथर आइडेंटिटी अननोन। हाँ, ये आपने बड़ा ज़बरदस्त क्वेश्चन किया। कौन बात कर रहे हैं आप? सर जुनेद बात कर रहा हूँ। जुनेद भाई, जुनेद भाई आपसे अभी ज़रा ये मैं कंप्लीट कर लूँ, फिर हम आपसे वॉलंटियर लेंगे कि आप इस चीज़ को करें, तो मैं इस वाले प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी आपको बताता चलूँगा साथ साथ। ठीक है, ओके है, आपकी स्क्रीन शेयर कर पाएंगे आप? जी सर, मैं कर लेता हूँ। हाँ, अभी नहीं, जब मैं बोलूँगा तब करना है आपने। अच्छा, तो मैं क्या जिक्र कर रहा था कि जब भी मैं अपने प्रोजेक्ट के अंदर कोई एक फीचर कंप्लीट कर लूँगा, मिसाल के तौर पे मैं कॉन्टैक्ट का पेज बना रहा था एक वेबसाइट पे, तो जैसे ही मैं कॉन्टैक्ट का पेज कंप्लीट कर लूँगा मैं उसको क्या करूँगा, सारी फाइलों को ऐड करूँगा और कमिट कर दूँगा, और उस कमिट को मैं एक नाम दे दूँगा। ठीक है, तो इस तरह क्या होगा, वो उतना स्टेट आपका सेव हो जाएगा। अच्छा, फिर उसके बाद कॉन्टैक्ट का पेज कंप्लीट करने के बाद मैंने कहा गैलरी का पेज बनाना है अब मुझे, तो गैलरी का पेज मैं बनाऊंगा, और जैसे ही वो फीचर कंप्लीट होगा तो मैं क्या करूंगा, उसको दोबारा से सारी फाइलों को ऐड करूंगा और उसको मैं कमिट कर दूंगा। ठीक हो गया, तो इस तरह से होगा क्या कि आपकी हिस्ट्री पूरी मेंटेन होती जाएगी। इस हिस्ट्री को मेंटेन करने का सबसे बड़ा एक तो फ़ायदा ये है कि आपका कोड सेव होता जाएगा, दूसरा ये आप इस हिस्ट्री में पीछे जा सकते हैं, कभी भी आप पीछे जाके देख सकते हैं कि भाई फला टाइम पे जब मैं कॉन्टैक्ट के पेज पे काम कर रहा था तो उस वक्त मेरा कोड किस हालत में था। ठीक है, कभी कभी ऐसा होता है कि क्लाइंट आपसे कहता है कि यार इसको जो अभी चेंजेस किए ना वो हटा दो, पहले वाला सही था, तो आप क्या करते हैं, फ़ौरन पीछे वाली कमिट पे चले जाते हैं। वेल, अभी हम ये बात डिस्कस नहीं कर रहे हैं कि हम हिस्ट्री में पीछे कैसे जाते हैं। ठीक है, अभी आज की क्लास में हम ये बात डिस्कस नहीं कर रहे हैं, आज हम जस्ट ये करेंगे कि आपका जो कोड आपकी पीसी में पड़ा हुआ है उसको उठा के गिटहब में भेजना कैसे। तो ये काम करने के बाद आप क्या कर सकते हैं, क्योंकि ये डब्बे में आपने बंद कर दिया, कमिट लिखते ही क्या हुआ, आपका कोड डब्बे में बंद हो गया। अब ये डब्बा मैं भेजूंगा गिटहब में, सही है, ये रिपोजिटरी, ये डब्बा, ये मैं भेजूंगा, ये पार्सल भेजूंगा गिटहब के पास। अब वो कैसे भेजना है, आगे चलते हैं इसके लिए। अब ठीक है, अच्छा, आगे चलने से पहले लेकिन इतना काम जो है, अब जुनेद भाई से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अपनी स्क्रीन प्लीज़ शेयर करें जुनेद भाई, और दिखाएं कि जो है ना ये स्टेप आप करके दिखाएं। सर थोड़ा गाइड कर दीजिएगा कि शेयर का ऑप्शन कहाँ, शेयर का ऑप्शन जो नीचे बटन्स बने हुए ना लाइन से, उसमें एक एरो अप एक बना हुआ है बटन पे, बीच वाला बिल्कुल। सर जी, प्यारे दोस्त, सर
पहले ये गेट हेड और स्टाइल ऑफ एप्लीकेशन आपने बताया था, ये मुझे समझ नहीं आया। अच्छा, अगर ये आपको नहीं समझ में आया तो कोई मसला नहीं है। आपको अगर सिर्फ ये पता चल गया कि अच्छा ये काम करना है, कमांड आपसे रन हो गई है अगर, तो गुड इनफ है, ठीक है। ये मैं दोबारा रिपीट कर दूंगा वैसे, नो प्रॉब्लम, बट जस्ट आपको ना कमांड चलानी अभी फ़िलहाल आ जानी चाहिए। अभी इसकी मैं ज़्यादा डिटेल में अगर जाऊंगा ना कि ये वर्किंग डायरेक्टरी अब क्या है और ये इंडेक्स जो है, अभी इसकी ज़्यादा डिटेल में जाऊंगा तो कन्फ्यूजन बढ़ेगी, ठीक है। तो जस्ट ये मैंने आपको मोटा मोटा बता दिया कि ये तीन स्टेजेस होती हैं, ठीक है। अभी इसको आप इसी तरह समझेंगे, अच्छा तीन स्टेजेस होती हैं, ठीक है। और जब भी आप कोई फीचर अपना कंप्लीट करेंगे तो आपको ये दो कमांड चला के ना, ऐड और कमिट चला के, अपने कोड को डब्बे में बंद करना है। जी जुनैद भाई, जाएं ज़रा और वही वाला स्टेप ज़रा कर लें। सर, मेरी स्क्रीन आपको नज़र आ गई? जी, आपकी स्क्रीन आ गई है। सर ये देखिए, ये मैंने कमांड लगाई थी। अच्छा, आप की जो स्क्रीन है ना, वो सिर्फ एक टैब नज़र आ रहा है आपका, आपको एंटायर स्क्रीन अपनी शेयर करनी थी, वो स्टॉप करके ना दोबारा करें आप। उसी बटन को दबाएंगे ना दोबारा, तो स्टॉप का भी ऑप्शन आ जाएगा। जी सर, ये मैंने git add की कमांड लगाई थी, इसने कोई एरर नहीं दिया, मगर जब मैंने ये वाली कमांड इसको पुश की तो इसने ये एरर मुझे दे दिया है। जी बिल्कुल, ये एरर आपको बिल्कुल इसने सही दिया है। असल में git आपकी जब मशीन में पहली दफ़ा इंस्टॉल होता है तो git आपसे पूछता है कि आपका नाम क्या है, आपका नाम और आपका जो ईमेल है वो आपसे पूछता है, क्योंकि जब आप कमिट करते हैं तो क्या आता है, आपका ना नाम से वो कमिट होता है कि ये किस बंदे ने ये फ़ीचर कम्प्लीट किया है। अच्छा, तो इसके लिए आपको करना क्या है, ये जो साथ में ना सजेशन भी दे रहा है, लिखा हुआ रहा है आपकी स्क्रीन पर, अगर आप देखें, git config -- global user .email, और इसमें इस पूरी लाइन को कॉपी कर लें आप, और पूरी लाइन को कॉपी करके या हाथ से भी लिख सकते हैं, एक ही बात है, योर ईमेल की जगह ना आपने अपना ईमेल लगा देना है, यहीं पे टाइप कर देना है, यहीं पे टाइप कर देना है, योर ईमेल की जगह आपने ये अपना ईमेल और .gmail.com लगा देना है। कोटेशंस आएंगी? जी, कोटेशंस भी रहेंगी। जी ठीक है, ये काम हो गया। अब इसी के नीचे देखें, एक दूसरी कमांड भी आ रही है, ये कमांड भी आपने लिखना है, और योर नेम की जगह आपने जुनेद हारून लिख देना है। ग्रेट, अब जब आप करेंगे ना कमिट तो अब आपको ये एरर नहीं देगा। ओके सर। सर वेल डन, अब ये क्या हो गया, ये कोड आपके डब्बे में बंद हो गया। अब इस डब्बे को हमने भेजना है गिटहब में, तो अब ज़रा मैं दोबारा से अपनी स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। थैंक यू सर। और अब हम इस वाले पॉइंट से और आगे बढ़ते हैं कि ये डब्बे में जो कोड मेरा बंद हो गया, अब इस डब्बे को मैं गिटहब में कैसे भेजूँ। पुशिंग चेंजेस, ठीक है, इन्होंने जो हेडिंग डाली है। अच्छा, इसके जब हम इस डब्बे को उठा के गिटहब में भेजते हैं ना, तो उसके लिए ख़ास टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल होती है पुश। वैसे तो अपलोड भी बोल सकते हैं आप जैसे मैं कह रहा हूँ भेजेंगे, तो ये भी बोल सकता हूँ, लेकिन असल जो डेवलपर जो टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल करते हैं, जो टर्म इस्तेमाल करते हैं, वो पुश है। तो अभी से हम क्या बोलेंगे, इसको पुश बोलेंगे। तो पुशिंग चेंजेस, अब चेंजेस को पुश कैसे किया जाए। योर चेंजेस आर नाउ इन हेड ऑफ योर लोकल वर्किंग कॉपी, कि आपके पास जो ये डब्बा पड़ा हुआ था ना लोकल, उसके अंदर आपकी चेंजेस आ चुकी हैं हेड में। अच्छा, हेड क्या था देख लेते हैं ज़रा ऊपर जाके। हेड का मतलब है ये वाली जगह पे आ चुकी है, ठीक है, मतलब डब्बे में बंद हो चुकी है आसान अल्फाज में। टू सेंड दोज चेंजेस टू योर रिमोट रिपोजिटरी एग्जीक्यूट दिस git push origin master, ठीक है। अच्छा, लेकिन
गिट पुश तो जब करेंगे जब मेरे पास कहीं पे गिट हब में बना हुआ भी होना चाहिए ना कोई रिपोजिटरी। तो अब इस पॉइंट पे मुझे क्या करना है, ये कमांड चलाने से पहले, ठीक है, ये कमांड चलाने से पहले मुझे जाना है github.com पे। मैं खोल लेता हूँ github.com, एंटर, ठीक है। अच्छा, मेरा इस पे पहले से अकाउंट लॉगिन हुआ हुआ है और यहाँ पे मेरी छोटी सी पिक्चर बनी हुई आ रही है। अगर आप इस पे लॉगिन नहीं हैं तो पहले आपको लॉगिन करना पड़ेगा। उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे ये जो बटन आ रहा है ना, इस बटन पे आपने क्लिक करना है। इसको मैं जूम इन भी कर देता हूँ थोड़ा। ये जो बटन है, इस पे क्लिक करने के बाद आपको ये मिलेगा न्यू रिपॉजिटरी का एक ऑप्शन, ये आपने प्रेस कर देना है, न्यू रिपॉजिटरी। अब जैसे ही मैंने ये प्रेस किया तो क्रिएट न्यू रिपॉजिटरी का यहाँ पे पूरा ऑप्शन आ गया। इस रिपॉजिटरी का कोई ना कोई मुझे नाम देना पड़ेगा, ठीक है। मैं इसका नाम दे देता हूँ माई फर्स्ट वेबसाइट, ठीक है, यही मैंने नाम देना है इसको, ठीक है। तो मैंने माई फर्स्ट वेबसाइट नाम रख दिया। अच्छा, अब कुछ डिस्क्रिप्शन चाहिए। दिस इज अ रिपॉजिटरी फॉर माई मर्न स्टैक ऑनलाइन क्लास, ठीक है। ये आप ना भी लिखें तो चलेगा, ये डिस्क्रिप्शन ऑप्शनल है, लेकिन मैंने लिख दिया जस्ट इन केस। उसके बाद ये कह रहा है कि इस रिपॉजिटरी को आया कि आपने पब्लिक रखना है या प्राइवेट रखना है। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बात समझने वाली ये है कि आपने हमेशा अपनी रिपॉजिटरी को कोशिश करना है कि आप पब्लिक रखें, ठीक है, क्योंकि ये हम पोर्टफोलियो बना रहे हैं अपना, ठीक है। जितने भी हम ये प्रोजेक्ट्स बनाएंगे ना इस कोर्स के दौरान, ये हमारा पोर्टफोलियो है। तो अगर वो प्राइवेट होगा ना तो वो किसी को नज़र नहीं आएगा, ठीक है, तो इस वजह से उसको हमें पब्लिक रखना है। अच्छा, प्राइवेट फिर हम किसको रखते हैं? अगर कोई क्लाइंट का काम कर रहा हूँ मैं, कोई फ्रीलांस प्रोजेक्ट मैंने पकड़ा हुआ है, अब वो जब मुझे एक्सेस देगा ना अपने प्रोजेक्ट का, तो वो मैं पब्लिक नहीं करूँगा, ठीक है, क्योंकि भाई जाहिर है वो किसी बंदे का प्रोजेक्ट है, उसकी इजाज़त के बगैर तो जाहिर है पब्लिक नहीं करेंगे हम, तो वो प्राइवेट होगा। अदरवाइज़ मेरे जितने खुद के प्रोजेक्ट मैं बनाता हूँ वो पब्लिक होते हैं। अच्छा, उसके बाद ये नीचे जितना भी कुछ लिखा हुआ है इसको किसी को छेड़ना नहीं है आपने, और क्रिएट का बटन दबा देना है। क्रिएट का बटन दब गया। अच्छा, मेरे पास गिट हब में ये एक रिपॉजिटरी बन के आ चुकी है। इस रिपॉजिटरी का नाम है माई फर्स्ट वेबसाइट, ठीक है, कोई भी नाम हो सकता है, आपकी मर्ज़ी का, जो भी आप नाम रखना चाहें वो नाम हो सकता है। अब मुझे क्या करना है, मेरे पास जो यहाँ पे चेंजेस मौजूद हैं उसको मैंने भेजना है इस गिट हब की वेबसाइट पे भेजना है मैंने, ठीक है। अच्छा, हमज़ा क्या आप स्टिल हमारे साथ हैं? हमज़ा अगर आप मौजूद हैं तो प्लीज़ अपनी स्क्रीन शेयर करके ना ये वाला ज़रा स्टेप रिपीट कर दें जो अभी मैंने किया है, गिट हब में रिपॉजिटरी बनाने का स्टेप। सर, मैंने वो पिछला वाला स्टेप भी नहीं किया, तो कोई मसला नहीं, अभी कर लेते हैं, दोनों कर लें। आपकी स्क्रीन शेयर नहीं हुई भी है, अब हो रही है, हाँ अब हो रही है। जी सर, आप क्या करें? अच्छा, करें git add static, और static space डाल के, space डाल के enter। अब आप करें git commit space डाल के minus m, हाँ, और उसके बाद डबल कोटेशन में कोई भी मैसेज अपनी मर्ज़ी का लिख सकते हैं आप, जिससे आपको याद रहे कि ये क्या फ़ीचर आपने इम्प्लीमेंट किया। ठीक है, ये कमिट हो गया, डब्बे में बंद हो गई चेंजेस। अब जल्दी से github.com पे जाके एक रिपॉजिटरी तैयार करनी है आपने।
अच्छा, ये हरे कलर का जो न्यू बटन है ना, ये भी प्रेस कर सकते हैं आप, और यहाँ पे जाके जो आपकी प्रोफाइल पिक्चर के साथ जो प्लस का बटन है वो भी कर सकते हैं। दोनों बटन का बिहेवियर सेम है, ठीक है। तो ये आप हरे वाला न्यू बटन दबा लें मेरे ख्याल है, ये भी ताकि तरीका पता चल जाए लोगों को। अच्छा, कोई भी एक अपनी मर्ज़ी का नाम लिख दें आप इस रिपॉजिटरी का। बस क्रिएट का बटन दबा दें बस। वेल डन यार हमजा, आपने जो है ना ये स्टेप कंप्लीट कर लिया है। अब हम करते हैं इसके आगे का स्टेप, ठीक है। मैं अपनी स्क्रीन दोबारा शेयर करता हूँ, इसके आगे का स्टेप अब हम करते हैं। अच्छा, होपफुली सब लोगों के पास मेरी स्क्रीन आ गई होगी अब। अच्छा, इसके जो आगे का जो काम है, पुशिंग चेंजेस हम अभी डिस्कस कर रहे हैं कि चेंजेस पुश कैसे होंगी। तो चेंजेस पुश करने के लिए पहले तो मुझे गिटहब में एक रिपॉजिटरी चाहिए थी, वो मैंने बना ली है, ठीक है। गिटहब के अंदर मैंने एक रिपॉजिटरी क्या कर ली है, बना ली है। अब मैंने क्या करना है, ये गिटहब में जो बनी हुई रिपॉजिटरी है इसको कनेक्ट करना है मैंने अपनी, ये जो इसका एक URL मौजूद है ये, ठीक है। ये URL जो है ये मैंने कहाँ पर ऐड करना है, अपने लोकल रिपॉजिटरी में जाके ऐड करना है। तो इसको कॉपी कर लेता हूँ मैं जल्दी से, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे इन्होंने बताया हुआ भी है कि ये ऐड होगा कैसे, ठीक है। कैसे ऐड होगा, गिट रिमोट ऐड ओरिजिन और उसके बाद ये वाला URL। तो अगर मैं ये URL जस्ट कॉपी कर लूँ ना, इसको एज इट इज़ कॉपी कर लूँ अगर मैं और जाके चला दूँ तो भी चल जाएगा। आर्टिकल में भी इन्होंने बताया हुआ है, देखें आप, गिट रिमोट ऐड ओरिजिन और ये जो सर्वर है इसकी जगह पे क्या लगेगा, मेरा ये URL लगेगा, यहाँ पे जो URL है, ठीक है। तो मेरे पास ये लिखा हुआ है, इसको मैंने कॉपी किया एज इट इज़, और कॉपी करके लाके मैंने कहाँ पे चला दिया, जिस जगह पे मैंने कमिट किया था, जिस जगह पे मैंने कमिट चलाया था वहाँ पे लाके मैंने पेस्ट कर दिया। क्या कमांड लिखी है मैंने, गिट रिमोट ऐड ओरिजिन और उसके बाद पूरा URL, ठीक है। अच्छा, अभी ये रिमोट क्या है, ओरिजिन क्या है, अभी इन चीज़ों को गौर करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अभी जस्ट ये कमांड आपने चला दी, एंटर हो गया। अच्छा, ये कमांड जैसे ही मैंने चला दी तो मेरे लोकल जो रिपॉजिटरी थी इसका कनेक्शन बन चुका है किसके साथ, मेरे गिटहब के जो 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 एम्प्टी रिपॉजिटरी थी ना, ये वाली जो रिपॉजिटरी थी इसके साथ इसका कनेक्शन बन चुका है, ठीक है। जैसे ही मेरा कनेक्शन बन चुका है उसके बाद मैं क्या करूँगा, गिट पुश ओरिजिन मास्टर। जैसे ही ये कमांड चलाऊँगा मेरी जो चेंजेस हैं, यहाँ पर आके मैं बोलूँगा गिट पुश ओरिजिन मास्टर। जैसे ही मैं ये कमांड रन करूँगा तो जो मेरी लोकल रिपॉजिटरी है, ये जो मेरी लोकल रिपॉजिटरी यहाँ पे जो है, इसके अंदर जो भी चेंजेस अभी तक मौजूद हैं, ठीक है, जिनको मैं डब्बे में बंद कर चुका हूँ, जिनको मैं कमिट कर चुका हूँ, जो कमिट नहीं हुई वो नहीं पहुँचेगी, जिनको मैं डब्बे में बंद कर चुका हूँ, जिन चेंजेस को ऑलरेडी कमिट कर चुका हूँ, वो सारी चेंजेस उठ के कहाँ चली जाएगी, जो भी मैंने URL ऐड किया हुआ है उस URL पे जाके सेव हो जाएगी वो, ठीक है। तो मैं इसको एंटर करता हूँ, देखते हैं क्या होता है। एंटर जैसे ही मैंने किया तो इसने थोड़ा सा लोडिंग लिया, ठीक है। थोड़ी सी लोडिंग लेने के बाद ये 400 KB भेजा इसने इंटरनेट के ऊपर, और थोड़ी सी लोडिंग लेने के बाद इसने बोला कि आपका जो कोड है वो पुश हो चुका है, किसी किस्म का इसने एरर नहीं दिया, इसने बोला डन। अच्छा, इसका मतलब क्या है कि ये चेंजेस मेरी कहाँ जाके पुश हो चुकी है, गिटहब की एम्प्टी रिपॉजिटरी में ये चेंजेस जाके मेरी पुश हो चुकी हैं, ठीक है। अब तो मैं यहाँ पे जाऊँगा, इस पेज को जैसे ही मैं रिफ़्रेश करूँगा तो मुझे वो चेंजेस यहाँ पे नज़र आ जानी चाहिए, ठीक है। तो करके देखते हैं जी रिफ़्रेश, ये चेंजेस मेरे पास यहाँ पे नज़र आ गई। एक्सक्यूज मी जी दोस्त। अच्छा, मैंने अभी ओरिजिन मास्टर पे एंटर किया है लेकिन मुझे वो कनेक्ट करा रहा है, साइन इन पे लेके जा रहा है, और वो लोडिंग की लोडिंग के बाहर पे खड़ा है वो। अपनी स्क्रीन प्लीज शेयर कर दें, देख लेते हैं क्या इशू है। स्क्रीन शेयर कर दो। ओके, क्लियर, एंटर। अच्छा, अब मिसाल के तौर पे ये तो अभी तक की जो मेरी वेबसाइट थी ना वो तो चलो पुश हो गई, कोई मसला ही नहीं है इसका। अब मैं इसमें कुछ मज़ीद चीज़ें ऐड करता हूँ। मैंने एक पैराग्राफ ऐड किया इसके अंदर, दिस इज़ अ पैराग्राफ, ठीक है। कुछ मज़ीद हेडिंग्स ऐड की मैंने, H2,
ठीक है, दिस इज हेडिंग टू, कुछ मैंने चेंजेस मज़ीद कर दी इसके अंदर। अब ये चेंजेस, अच्छा आप देखें वी एस कोड ना, क्योंकि वी एस कोड एक टेक्स्ट एडिटर है, लेकिन ये ख़ास तौर पर डेवलपर्स के लिए बनाया गया है, तो इसमें आप देखें जो चेंजेस मैंने अभी की है ना, उसमें हरी कलर की लाइन बनी भी आ रही है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे जाके कुछ लिखूँगा ना, यहाँ पे मैंने कहा भाई एक अदद क्या बना दो, आप एक अदद बना दो एच वन एक और बना दो, तो आप देखें यहाँ पे हरे कलर का इसने करके बताया कि ये चेंजेस क्या हुआ है, अभी तक पुश नहीं हुई हुई है, ये सिर्फ आपकी मशीन के अंदर मौजूद है। तो देखो ये हरे कलर करके ना ऐसे मेंशन कर रहा है कि अच्छा ये वाली जगह जो है वो पुश अभी तक नहीं हुई हुई है। अब इसको पुश करने के लिए मैं क्या करूँ, दोबारा से वही है, वापस जाता हूँ मैं, पुशिंग चेंजेस से पहले क्या करना पड़ेगा, डिब्बे में बंद करना पड़ेगा, कमिट करनी पड़ेगी। तो मैं बोलूँगा गिट एड स्टैटिक कमिट और उसके बाद पुश कर दूँगा मैं। अच्छा मैंने इस चेंजेस को क्या किया, मैंने कहा गिट एड स्टैटिक एंटर, ठीक है, जैसे ही मैंने स्टैटिक किया देखो ये यहाँ से गायब हो गया हरे कलर का जो मार्किंग थी ना। फिर मैंने कहा गिट कमिट माइनस एम और मैंने एक मैसेज लिख दिया माई सेकंड कमिट, ठीक है एंटर। अब ये मेरी जो अभी तक की चेंजेस थी उसको मैंने डब्बे में बंद कर दिया, ठीक है। अच्छा अब डब्बे में बंद हो गया लेकिन ये अभी तक गिटहब में नहीं पहुंचा है, जाके मैं ज़रा रिफ्रेश करके एक बार देख भी लेता हूँ कि पहुंचा नहीं है वहाँ पे, ठीक है। मैंने इसको ओपन किया, मैंने इसको रिफ्रेश किया, यहाँ पर आप देखें ये पुरानी वाली जो चेंजेस थी वही दिख रही है, अभी वाली चेंजेस जो मैंने की हैं वो अभी तक वहाँ पे पहुँची नहीं है, वो मेरी अभी तक लोकल मशीन में है, डब्बे में बंद हो चुकी है लेकिन वो वहाँ पे पहुँची नहीं है अभी तक, ठीक है। अच्छा इसको भेजने के लिए क्या करूँगा मैं, जो पुशिंग चेंजेस वाला जो तरीका है, ठीक है डब्बे में बंद तो कर लिया, कमिट तो कर दिया, पुशिंग चेंजेस गेट पुश ओरिजिन मास्टर, ठीक है मैं आया यहाँ पर लिखा मैंने गेट पुश ओरिजिन मास्टर एंटर, ठीक है। जैसे ही मैंने पुश किया थोड़ी देर इसने लोडिंग लिया, सही है 400 KB का डेटा भेजा है इसने क्लाउड पे, और उसके बाद इसने कहा ठीक है भाई आपकी जो चेंजेस थी वो क्या हो चुकी है, आपकी चेंजेस पुश हो चुकी है, ठीक है। अब जब मैं जाऊंगा गिटहब में और जाके मैं रिफ्रेश करूंगा इसी पेज को, तो यहाँ पे देखें अब वो नई चेंजेस भी मेरी नज़र आ गई हैं। अच्छा अब मैं क्या करता हूँ, मैं मज़ीद कोई चेंजेस करता हूँ, ठीक है। अब मैं जितनी दफ़ा भी चेंजेस करूँगा उतनी दफ़ा मैं क्या करूँगा, उसको डब्बे में बंद करूँगा भेजूँगा, डब्बे में बंद करूँगा भेजूँगा, बहुत सिंपल है, ठीक है। अब ये पहली दफ़ा कर रहे हैं आप तो शायद थोड़ा ओवरवेलमिंग लग रहा हो कि यार ये तो इतने सारे स्टेप्स हैं ये करने पड़ेंगे, लेकिन वंस आप ये करना शुरू करेंगे जब, तो ये बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है, इससे सिंपल हो नहीं सकता था पॉसिबल, ठीक है इतना सिंपल है ये। तो मैं भी इसको डेली बेसिस पे करता हूँ इसलिए आप देखें मुझे कमांड सारी याद है, थोड़े दिनों में आपको भी याद हो जाएगी कमांड्स, ठीक है। और तो मैंने चेंजेस किया, पुश कर दिया उसको, अब मैं मज़ीद चेंजेस करता हूँ कुछ। मैंने एक पैराग्राफ उठाया यहाँ से और इस पैराग्राफ में मैं पूरा एक मज़मून यहाँ से लिख देता हूँ कहीं से भी जाके ना, ये पूरा उठा लिया मैंने, ठीक है। जस्ट एक टेक्स्ट उठा रहा हूँ मैं, पैराग्राफ में मैंने ये पेस्ट कर दिया, ठीक है ये मेरे पैराग्राफ में पेस्ट हो गया। थोड़ा जूम आउट कर देता हूँ, काफ़ी जूम इन हुआ हुआ है। अब ये मैंने एक पैराग्राफ इसमें और ऐड कर दिया, ठीक है। अब मुझे इसको डिब्बे में बंद करना है, मैं क्या करूँगा, मैं दोबारा चलाऊँगा गेट एड स्टैटिक एंटर, गेट कमिट माइनस एम माई थर्ड चेंज, ठीक है माई थर्ड चेंज लिख के एंटर कर दिया मैंने। अच्छा अभी मेरे पास जो चेंजेस थी वो सारी क्या हो गई है, वो डब्बे में बंद हो चुकी है। अच्छा क्या मेरे लिए ज़रूरी है कि मैं इस पॉइंट पे इसको भेजूँ, नहीं मेरे लिए ज़रूरी नहीं है, मैं और चेंजेस करके, सही है दो तीन चेंजेस एक साथ बंद करता हूँ डब्बे में मैं, सही है। मैंने इस पैराग्राफ के बाद भी मैंने लगा दिया, मैंने कहा फूटर, ठीक है जस्ट ऐसे ही एक फूटर मैंने लगाया, मैंने कहा कॉपी राइट रिजर्व्ड, ठीक है 2022 सम कुछ भी मैंने लिख दिया। अब मैं क्या करना चाह रहा हूँ, मैं इन चेंजेस को भी क्या करना चाह रहा हूँ, इसको इन चेंजेस को भी मैं डब्बे में बंद करना चाह रहा हूँ। डब्बे में ऑलरेडी एक चेंज बंद है मेरे पास, लेकिन कोई मसला नहीं है, पड़ा हुआ है वो, जब पुश करूँगा तो जाएगा, अभी कहीं नहीं जाया, अभी कहीं नहीं गया वो। मैंने दोबारा क्या करना है, मैंने कहना है गिट एड स्टैटिक और गिट कमिट। अच्छा इसमें मैं लिखूँगा फोर्थ चेंज, माई फोर्थ चेंज एंटर।
अब ये मेरे पास डब्बे में ना दो कमिट बंद हो चुकी है, अब मैं पुश करूँगा दोनों पुश हो जाएगी, क्या मैं बोलूँगा अच्छा इससे पहले ज़रा गिटहब में जाके देख लेते हैं पहुँचा तो नहीं है वहाँ कुछ। ठीक है मैंने रिफ़्रेश किया, अभी तक यहाँ पे जो लास्ट चेंजेस थी वही है यहाँ पे। ठीक है रिफ़्रेश किया मैंने, कोई चेंजेस नहीं आए यहाँ पे अभी तक। अच्छा अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं कहूँगा गेट पुश ओरिजिन ओरिजिन मास्टर, सारी की सारी चेंजेस मेरी क्या हो गई पुश हो गई। अब जब मैं यहाँ पे जाके इसको रिफ़्रेश करूँगा तो आप देखें यहाँ पे वो सारी चेंजेस फूटर ये पैराग्राफ ये सब कुछ यहाँ पे आ गया। अच्छा अब मैं अपने ये इस जो मेरे रिपॉजिटरी का नाम है इस पर दोबारा क्लिक करूँगा अगर, तो आप यहाँ पे देखें ये जो ये माई फोर्थ चेंज है ना जो मैंने कमिट में मैसेज लिखा था वो मुझे यहाँ दिख रहा है। ठीक है टोटल फोर कमिट मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है कि फोर कमिट मैं अभी तक कर चुका हूँ, एक मिनट पहले हुई है आखिरी कमिट जो है। अच्छा तो मैं फोर कमिट पर जब क्लिक करूँगा ना तो देखें मेरे चारों कमिट यहाँ पर दिख रही है, और चारों कमिट ना सिर्फ मुझे नज़र आ रहा है बल्कि इस पर जब मैं ये वाला बटन दबाऊँगा ठीक है तो इस कमिट के वक्त जो मेरा कोड जैसा था ना मैं उसको देख भी सकता हूँ। दबा देता हूँ मैं बटन ये, आप देखें ये खुल गया, पहली कमिट के वक्त मेरा कोड ऐसा था। ठीक है तो वेल अभी हम ये डिस्कस नहीं कर रहे कि पीछे हिस्ट्री में कैसे जाना है, अभी हम वो नहीं, अभी जस्ट अभी पुश करना आ जाए ना आपको अगर इस क्लास के बाद तो इस क्लास का मकसद हमारा अचीव हो जाएगा। अच्छा तो सब लोगों को समझ में आया ये, हमजा काइंडली अपनी स्क्रीन शेयर करके जरा ये वाला एक सवाल जरा जी जी प्लीज़ स्क्रीन शेयर करनी पड़ेगी आपसे जी, प्लीज़ अपनी स्क्रीन शेयर कर दें आप। अच्छा मैं पहले कमिट किया सेकंड टाइम, क्या आप सी कैन यू सी द स्क्रीन? यस ये हाइट कर दें छोटा सा जो आ रहा है ना नीचे बार। सॉरी सेकंड कमिट ऐड किया है तो वो मुझे ना कह रहा है कि आपका ईमेल जो है ना कोई और सेट है तो आपने चेंज करना है, ऐसे मुझे एडिटिंग पे लेके जा रहा था। इसको जरा एक दफा सीएलएस करें क्लियर करें, ये मैं इससे का पराड़ा हूँ मुझे इससे इधर से आगे पीछे नहीं हो रहा, इधर से क्या करूँगा? इसको डिलीट करके बंद कर दें टर्मिनल को, ये डिलीट का छोटा सा आइकन आ रहा है ना इस टर्मिनल को डिलीट करके बंद कर दें। अच्छा नया टर्मिनल खोल लें। अच्छा करें ज़रा गिट ऐड स्टैटिक सारी फाइलें ताकि आपकी ऐड हो जाए, एंटर। अच्छा अब गिट कमिट करें, माइनस एम कोई भी मैसेज लिख दें। ठीक है नथिंग टू कमिट, इसका मतलब है जितना भी जो भी चेंजेस आपने किए हुए थे वो ऑलरेडी डब्बे में बंद है, नथिंग टू कमिट है, अभी पुश करना है आपको, जस्ट पुश कर दें इसको आप। हाँ पुश ओरिजिन मास्टर, पुश हो गया। ठीक है ग्रेट वेल डन। अच्छा अब कुछ चेंजेस मजीद करके ज़रा उसको भी पुश करें, ये स्टेप आपसे करवा लेते हैं, कोई भी चेंजेस इसमें करें मजीद, एक पैराग्राफ बना दें कुछ भी बना दें। ये वाला चेंज बस सेव कर दें, सेव करना ज़रूरी है। अच्छा ये जो छोटा सा आपके पास ऊपर ना कोई चेंज करें ज़रा उसमें छोटा सा एक बार बनावा आ जाएगा, इस जगह पे ये बनावा आ रहा है, इसका मतलब है कि ये सेव नहीं हुई भी चेंजेस। ठीक है सेव करके इसको अब आपने क्या करना है, इसको भेजना है गिटहब में। अच्छा गिटहब में भेजने के लिए अभी क्या करेंगे हम, दोबारा से गिट ऐड स्टैटिक ताकि सारी चेंजेस को ऐड किया जाए, उसके बाद गिट कमिट और कोई भी एक मैसेज आपका, गिट कमिट माइनस एम और एक मैसेज कोई भी। अच्छा ये आपको इसने एरर दे दिया ये यूज़र नेम का, ये एरर सही करना बता चुका हूँ मैं, प्लीज़ इसको कर लीजिए सही जल्दी से।
अच्छा सर, अगर हमें कोई रिपोजिटरी डिलीट करनी हो तो उसका ऑप्शन कहाँ से मिलेगा? कोई गिटहब में बनी हुई रिपोजिटरी डिलीट करनी है अगर तो? जी सर। तो गिटहब में ऑप्शन होता है, सेटिंग पे जाओ, डिलीट कर दो, हो जाएगी। जैसे फेसबुक में कोई पोस्ट करते हैं ना, वैसे क्लिक करते हैं डिलीट हो जाता है, ऐसे हो जाएगी वो भी। अभी अगर आप मुझसे एग्जैक्टली पूछना चाह रहे हैं कि वो कहाँ पे होता है, तो वो मैं अभी याद नहीं है मुझे, देख लीजिएगा। अगर आपको ना मिले तो पूछ लीजिएगा, ग्रुप में कोई बता देगा या मैं ही बता दूंगा, कोई मसला नहीं है। सही है। अच्छा, कमिट हो गया है। असल में वो कमिट हो गया था, लेकिन आपको वो जस्ट ऐसे ही एरर दे रहा था। ठीक है, अच्छा आपने सेट कर दिया, अच्छी बात है। गिट पुश ओरिजिन मास्टर। चलें भाई, वेल डन, पुश हो गया, ये ज़बरदस्त, बेहतरीन। अच्छा, मेरा ख्याल है यहाँ तक किसी को कोई सवाल तो नहीं है। अच्छा, किसी से भी एक सवाल है मेरा। जी जी प्लीज़। ये गिट ऐड स्टैरिक किया आपने, ठीक है, तो इससे स्टैरिक तो ऑल फाइल्स है ना सारी। जी जी। तो गिट ऐड डॉट एक किया था मैंने, सेम है, सेम है, डॉट भी सेम है, डॉट और स्टैरिक का सेम मतलब है। ओके, बस ठीक, ये पूछना था, थैंक यू। अच्छा जी, अपनी स्क्रीन आप हटा दें, जो शेयर का बटन है वही दबाएंगे दोबारा तो आपकी स्क्रीन हट जाएगी। अच्छा, अब आज की क्लास का जो सबसे आखिरी स्टेप है हमारा, वो हम अब करने जा रहे हैं। अच्छा, वो हम क्या करने जा रहे हैं, हमने अपनी चेंजेस को यहाँ पे गिटहब तक पहुँचा दिया। बहुत मुबारकबाद है उन लोगों को जिन जो जो यहाँ तक कर चुके हैं। जिन्होंने नहीं किया, कोई मसले की बात नहीं है, ये क्लास कंप्लीट होने के बाद आप ये इसी तरह देखिएगा इस वीडियो को, ठीक है, और यही स्टेप्स आप दोबारा अपने पास रिपीट कीजिएगा, इंशाल्लाह आपसे हो जाएगा, कोई मसले की बात नहीं है ये, ठीक है जी। अच्छा, आर्टिकल का ये लिंक मैं शेयर कर दूँगा। अब हमारे पास आज हमने जो सीखा है कि गिटहब में मैंने चेंजेस को पुश कैसे करना है, इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन वो अभी हम नहीं सीख रहे, ठीक है। अभी जो अभी जो ज़्यादा ज़रूरी चीज़ थी वो हमने अभी सीख लिया। अब हमें यहाँ पे जाना है मेरी रिपॉजिटरी के अंदर, ठीक है, ये मैं अपनी रिपॉजिटरी पे मैंने क्लिक किया हुआ है, इस रिपॉजिटरी में मौजूद हूँ। मेरी रिपॉजिटरी में सिर्फ एक फ़ाइल मौजूद है जिसका नाम है index.html, ठीक है, सिर्फ एक फ़ाइल है मेरे पास। अब मैंने इस फाइल को करना है होस्ट, एक ऐसा URL इसका जनरेट करना है। अभी तो ये कोडिंग है ना, कोई इस रिपॉजिटरी का ये जो लिंक है, ये लिंक मैं किसी को भी भेजूंगा ना, वो आके कोड तो मेरा देख सकता है, लेकिन जाहिर है हर बंदे को HTML थोड़ी आती है कि वो कोड आपका देखे आ गया, वो बोलेगा यार ये क्या लिखा हुआ है PH2, इसका तो उसको मतलब ही नहीं पता, ठीक है। तो हमें इसको क्या करना है, होस्ट करना है, एक ऐसा URL बनाना है जिसको जब कोई ओपन करे तो उसको बाकायदा मेरी वेबसाइट खुली हुई नज़र आए, बाकायदा मेरी वेबसाइट को विज़िट कर पाए। अच्छा, उसके लिए मैंने क्या करना है, मैंने सेटिंग के अंदर जाना है, ठीक है। सेटिंग के अंदर जाने के बाद, अच्छा ये आप नोट कीजिएगा, ये मैं अपने रिपॉजिटरी की सेटिंग में गया हूँ, एक सेटिंग मेरे प्रोफाइल की भी होती है, यहाँ से भी एक सेटिंग आती है, ठीक है, ये सेटिंग अलग है, ठीक है। मैं अभी कहाँ पर गया हूँ, अपने रिपॉजिटरी के अंदर खड़ा हुआ हूँ मैं, और मैं रिपॉजिटरी के अंदर खड़ा होकर ये जो लास्ट में टैब है ये दबा के मैं सेटिंग में आया हूँ। दिस इज़ माई रिपॉजिटरी सेटिंग, नॉट माई अकाउंट सेटिंग। अच्छा, इसमें जाने के बाद यहाँ पे आप देखें ऑप्शन आ रहा है पेजेस। पेजेस के ऑप्शन में आने के बाद आपके पास ये लिखा हुआ है सोर्स, इसमें सेलेक्ट हुआ है नन। आपने इसको चेंज करके क्या कर देना है, मास्टर सेलेक्ट कर देना है आपने, और इसको सेव कर देना है, दैट्स ऑल। जैसे ही आप सेव का बटन दबाएंगे, आपने यहाँ पे ना एक लिंक आपको नज़र आ जाएगा, ठीक है। ये लिंक क्या है, इसको अगर मैं इस लिंक को अगर नए टैब में ओपन कर लूँ मैं इस जगह पे, तो आपको इस लिंक पे ना मेरी वेबसाइट वो नज़र आ जाएगी, जो मेरा ये index.html का पेज था वो यहाँ पे खुल के नज़र आ जाएगा। अच्छा, अभी ये 404 दे रहा है, असल में होता ये है कि जब मैं इसको सेव करता हूँ तो थोड़ा सा इसको टाइम लगता है अपडेट होने में ना, तो इसलिए ये अभी आपको नॉट फाउंड नज़र आ रहा है, ये 1 से 2 मिनट में ये अपडेट हो जाएगा और मुझे प्रॉपर यहाँ पे मेरी वेबसाइट दिख जाएगी। अच्छा, मैं वापस आ जाता हूँ अपने फर्स्ट पेज पे, ठीक है। अब यहाँ पे एक बात नोट करने वाली है, अगर मेरा ये फ़ाइल का नाम index.html नहीं होगा तो ये काम नहीं करेगा,
ठीक है, अगर कोई भी चीज़ स्मॉल कैपिटल हो गई या स्पेलिंग में कोई भी मिस्टेक हुई, इंडेक्स डॉट एच टी एम एल एग्जैक्टली मेरी फाइल का नाम होना चाहिए, अदरवाइज वो काम नहीं करेगा। अच्छा, यहाँ पे आपको एक छोटा सा डॉट नज़र आ रहा है ब्राउन कलर का, इस डॉट का मतलब है ना कि वो अभी घूम रहा है, अभी लोडिंग हो रही है। ठीक है, ये लोडिंग जैसे ही कंप्लीट होगी मेरी वेबसाइट वहाँ पे खुल के नज़र आ जानी चाहिए, तो हम थोड़ा सा वेट कर लेते हैं इस लोडिंग के कम्प्लीट होने का। अच्छा सर, ये जो आपने सेटिंग में जाके ब्रांच में मास्टर किया है, उसके आगे रूट आ रहा है और एक डॉक्स आ रहा है, हम रूट में जाएंगे ना, रूट करके सेव करेंगे। एक मिनट मैं देख लेता हूँ कि मैंने क्या किया था। मास्टर पे करके मैंने इसको जो है ना वो किया, ये रूट वाला तो पहले से ही रूट था ना, इसको तो छेड़ना ही नहीं है, ये पहले से रूट था। हाँ, इसको रूट ही रखना है आपने। ठीक है, अच्छा अब मैं अच्छा ये देखो, अभी ना ब्राउन कलर का जो डॉट था वो ग्रीन टिक में तब्दील हो गया है, इसका मतलब है मेरी होस्टिंग रेडी हो चुकी है। मैं यहाँ पे जाऊँगा, इसको मैं रिफ्रेश करूँगा तो ये मेरी वेबसाइट मुझे खुल के नज़र आ गई। अच्छा, अब इस यूआरएल का मैं करूँगा क्या, इस यूआरएल को मैं कॉपी करूँगा, कॉपी करके मैंने कहाँ लाना है, ये जो साइड में अबाउट दिख रहा है ना मेरी रिपोजिटरी का, इसको मैंने सेटिंग पे क्लिक करके इस वेबसाइट के यूआरएल पे मैंने इसको पेस्ट कर देना है और सेव कर देना है। ठीक है, ये काम करने से क्या होगा, साइड में मुझे ये यूआरएल दिखता रहेगा। ठीक है, और इस पॉइंट पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि आज के बाद आप जितने भी असाइनमेंट्स बनाएंगे वो आपने इसी तरीके से गिटहब में पुश करना है, और उसका यूआरएल मुझे यहाँ पर चाहिए। मिसाल के तौर पे आपने जो लास्ट क्लास में सीवी बनाई थी वो आपने गिटहब में पुश करनी है, और पुश करके उसका यूआरएल यहाँ पे इस तरह आ रहा होना चाहिए। ठीक है, आप मुझे लिंक भेजेंगे, किसका, अपनी रिपॉजिटरी का लिंक आप मुझे भेजेंगे जब आप असाइनमेंट सबमिशन करेंगे। मैं आपकी रिपॉजिटरी खोलूँगा, मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा और आपकी वेबसाइट, आपका सीवी, जो भी कुछ आपने बनाया वो मुझे नज़र आ जाएगा। ठीक है।